हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉगर, सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगा और परिवार का ख्याल भी रखते होंगे। तो भाई, ध्रुव को देख के तो गुनगुन का हुआ हालत ख़राब। यहाँ पे गुनगुन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ध्रुव छूट के जेल से आ जाएगा इससे मिलने। अब पर समर की कमी थी, समर नहीं था, गया होगा कहीं रील्स बनाने के लिए, है नहीं, और नहीं तो गया होगा किसी को इंसाफ दिलाने। खुद का तो कुछ होता नहीं है, दूसरे को इंसाफ दिलाने चल देते हैं। यहाँ पे ध्रुव ने एक अच्छी बात कही, गुनगुन सुना था तुमने कि जाओ समर के संग जेल और वहाँ पर जाके बच्चे पैदा करो, सबसे अच्छा। सही नाम उसने तुम्हारा दिया है, गंदी नाली का कीड़ा। तुम और समर वैसे ही हो, तुम लोगों को वैसा ही शब्द सुनने में अच्छा लगता होगा, क्योंकि तुम जब जानती हो कि वो समर जो तुम्हारे बच्चे के संग तुमको अपनाया नहीं, वो ध्रुवी था जिसने तुमको अपनाया, फिर भी तुम उस इंसान को जेल में भेज दी, क्या अच्छा। अच्छाई का क्या तुमने सबक दिया उसे? कोई सबक नहीं मिला बेचारे को, यही सबक मिला कि अच्छाई करो और दरिया में डालो। कोई फ़ायदा नहीं हुआ अच्छाई करने का ध्रुव का, वो तुमको उस टाइम में अपनाया जिस टाइम में तो इतने क्राइसिस में थी, तुम्हारा बच्चे का बाप तुमको छोड़ दिया था। सही कहा उसने, तुम खुद अपने पापा की औलाद हो कि नहीं, कोई सही बात नहीं है। गॉड नोज, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जैसे समर जिसको माँ बोलता है वो तो माँ निकली नहीं, मौसी बन गई थी मम्मी। वैसे क्या पता, तुम्हारी मम्मी तो ऐसे भी दिखती नहीं है, तुम भी पता नहीं किसी की बेटी होगी, वो ऐसा भी चलता है। इसे तुम्हारे में समर में इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत और ये जज्बा जागता रहता है कि बीवी हो पति हो जो भी हो, भाड़ में जाए सब, हम दोनों ऐश मौज करते रहें, सोते जगते रहें, हमें दुनिया से क्या। वैसे भी दुनिया हमें खिलाता थोड़ी ना, तुम्हारे तो ये फेवरेट शब्द हैं, अब तो समर की मम्मी का भी, कि दुनिया हमें नहीं खिलाता है। नहीं भाई, सभी कोई दुनिया हमें नहीं खिलाता, हम तो खुद ही खा लेते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे ध्रुव ने तो भाई बहुत अच्छे से इसे बताया है कि ये किस जगह में रहने लायक है। पर देखें अब क्या होता है आगे। और यहाँ गुनगुन मैडम जो ध्रुव से मिलके जितना ज़ोरदार करंट का झटका लगा है, तो अब देखें 440 वोल्ट के संग कितने देर तक जीती है, और समर आने से फिर रो रो के क्या क्या कहती है। तो चलिए मज़े करते हम भी देख के। जिसको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।